हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स। तो जो हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं, जैसे कि बेंजल्डिहाइड और उसके फर्दर डेरिवेटिव्स, इसको हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय दी वेरियस मेथड्स। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज मेथड्स। सबसे पहले बाय दी ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। तो हम अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें तो वो क्या करेंगे, वो हमारे टोलुइन को ऑक्सीडाइज करेंगे एंड इट्स डेरिवेटिव्स टू दी बेंजोइक एसिड। तो अगर आपने टोलुइन लिया या इस टोलुइन के कोई आपने डेरिवेटिव्स लिए, तो अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो वो क्या करेगा, वो इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू द बेंजोइक एसिड। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन एट द एल्डिहाइडिक स्टेज विद दी सुटेबल रिएजेंट्स that convert the methyl group to an intermediate and that is further difficult to oxidize. क्योंकि आप तो चाहते हो कि आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो एल्डिहाइड या कीटोनिक स्टेज तक ही रुक जाए, वो फर्दर कार्बोक्सिलिक स्टेज तक ना जाए। तो इसलिए आपको ऐसा रिएजेंट यूज करना है जो इस रिएक्शन को सिर्फ कार्बोनिल तक, मतलब दैट इज एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप तक ही रोक दे, नॉट द कार्बोनिल, बिकॉज कार्बोक्सिलिक इज ऑल्सो कार्बोनिल। सो वो रिएक्शन को एल्डिहाइडिक या फिर ketonic stage तक ही रोकते। So we are going to discuss about those reagents here. So first is the use of the chromyl chloride. तो chromyl chloride क्या करता है? ये oxidize करता है methyl group to a chromium complex और वो chromium complex क्या करता है? Further hydrolyze करता है and it gives us the benzaldehyde. So this is called the Itard reaction. तो ये हमारी Itard reaction होती है। जैसे यहाँ पे ये हमारा टोलुइन लिया, हमने इसको ऑक्सीडाइज किया इनटू CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ब्राउन कलर का ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना है, दिस इज ब्राउन इन कलर एंड दिस इज गेट प्रेसिपिटेटेड एंड दिस इज फर्दर सेपरेटेड एंड डीकम्पोज्ड यूजिंग दी डाइल्यूट एसिड्स सो एज टू गिव दी बेंजाल्डिहाइड। फर्दर इसका जब हाइड्रोलिसिस किया गया तो यहाँ पे हमें क्या मिला, बेंजाल्डिहाइड। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, जैसे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो जो टोलुइन होता है या हमारा कोई सब्स्टिट्यूटेड टोलुइन होगा वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट ऑन ट्रीटिंग विद द क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब आपने क्रोमियम ऑक्साइड भी ले लिया और उसको आपने किसके साथ लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा बेंजाइलिडीन एसीटेट डाइएसीटेट फॉर्म होगा। इस बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट का जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड विद द एक्वस एसिड। तो ये इसकी रिएक्शन है यहाँ पे, दिस इज द टोलुइन, फिर हमने इसको ऑक्सीडाइज किया इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एसीटेट फॉर्म हुआ। अब इस एसीटेट का हमने फर्दर जब हाइड्रोलिसिस किया तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया इनटू द बेंजाल्डिहाइड। तो इस तरीके से क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्राइड हम अपने हाइड्रोकार्बन को चेंज कर सकते हैं इनटू एल्डिहाइडिक ग्रुप। नेक्स्ट इज द बाय द साइड चेन क्लोरीनेशन दैट इज फर्दर फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। तो अगर आपकी जो एरोमेटिक रिंग है, आप जैसे टोलुइन ले लेते हो तो क्या करो, उसकी क्लोरीनेशन करो और फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। तो साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन इट इज गोइंग टू गिव द बेंजाइल क्लोराइड एंड इस बेंजाइल क्लोराइड को फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये हमारा एक कमर्शियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बेंजाल्डिहाइड। तो ये आपका यहाँ पे टोलुइन है, इसका हमने क्या किया, क्लोरीनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, ये चेंज हो गया बेंजल क्लोराइड में, फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये हो गया हमारा बेंजाल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमने हमारी साइड चेन की पहले क्लोरीनेशन की, फर्दर फिर उसकी हाइड्रोलिसिस की, तो हमें मिल गया हमारा बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट इज द बाय गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो गेटरमैन कॉच रिएक्शन में क्या होगा कि या तो हम बेंजीन या उसका कोई डेरिवेटिव जो है उसको अगर हम ट्रीट करते हैं विद द कार्बन मोनोऑक्साइड and HCl in the presence of the anhydrous aluminium chloride, that is anhydrous aluminium chloride या फिर copper chloride, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, बेंजल
एल्डिहाइड या फिर उसका सब्सटीट्यूएंट मिलेगा, मतलब सब्सटीट्यूटेड बेंजल्डिहाइड मिलेगा, एंड इस रिएक्शन को हम कहेंगे गेटरमैन कॉच रिएक्शन। सो गेटरमैन कॉच रिएक्शन में क्या हुआ, यहाँ पे हमने लिया ये बेंजीन, इसको हमने ट्रीट किया विद दी कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl3, एंड ये हमें क्या देगा, यहाँ पे हमें देगा बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से बेंजीन को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू बेंजल्डिहाइड यूजिंग दी गेटरमैन कोच रिएक्शन। सो दिस वाज हाउ वी प्रिपेयर दी एल्डिहाइड्स यूजिंग दी हाइड्रोकार्बन्स। सो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस नेम रिएक्शंस, द मोर यू आर गोइंग टू राइट इट द मोर यू विल बी एबल टू कीप इट इन योर माइंड। थैंक यू।